व्हाट्सअप गाइस, दिस इज नवीन एंड आज की इस वीडियो में हम अपने MIUI को iOS 17 के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। जैसे आपको यहाँ पे प्योर iOS के आइकन्स पैक देखने को मिलते हैं एंड ऊपर हमें एक कुछ इस टाइप की विजेट देखने को मिल जाती है जो कि एनिमेशन के साथ देखने को मिलती है। ऊपर हमें डायनेमिक अलाइन भी देखने को मिलता है जो कि एक करेक्टर के साथ देखने को मिलता है एंड इसको भी आप आगे कस्टमाइज कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब मारो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यार आप देख सकते हैं होम स्क्रीन हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाती है। जो आइकन्स है वो भी आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे प्योर iOS के देखने को मिल जाते हैं एंड ऊपर हमें कुछ इस तरह की ये विजेट देखने को मिलती है जो कि एनिमेशन के साथ देखने को मिल जाती है। एंड बाकी जो ये विजेट है ये काफी यूनिक है, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे टिल टाइप में देखने को मिल जाती है। ऊपर हमें एक डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है जो कि आप इस पर टैप करके यहाँ पे इसको करेक्टर को आप नीचे ला सकते हैं एंड इसकी जगह आप दोस्तों अगर कोई और करेक्टर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो कंट्रोल सेंटर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिल जाता है जो कि काफी ब्यूटीफुल कंट्रोल सेंटर है। इसी तरीके से दोस्तों जब हम सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग भी हमें यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाती है। जो आइकन्स है वो भी आपको यहाँ पे iOS के देखने को मिल जाता है एंड दोस्तों जो इसका UI है वो भी आपको यहाँ पे iOS की तरह देखने को मिल जाता है। एंड आपको जब दोस्तों कंट्रोल सेंटर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक iOS वाला जो UI है वो देखने को मिल जाता है। दोस्तों जब आप यहाँ से क्लॉक में जाते हैं तो क्लॉक का जो UI है वो भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है एंड जो इसके टॉगल्स है वो भी आप देख सकते हैं ये भी हमें iOS वाले टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इसी तरीके से दोस्तों अगर आप यहाँ से कैलकुलेटर को ओपन करते हैं तो वो भी आपको iOS वाला देखने को मिल जाता है। अगर मैं जाते हैं तो डायलर आपको यहाँ पे प्योर iOS वाला देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों जब आप यहाँ से कॉल करते हो तो कॉल करने के बाद जो इसका UI है वो भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं हमें जो आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं। इसका सबसे कमाल का फीचर है वो है दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन के अंदर। आप लॉक स्क्रीन देख सकते हो हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाती है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक डेप्थ इफेक्ट वाला जो फीचर है वो भी देखने को मिलता है एंड जो आपको यहाँ पे स्टैंड बाई मोड वाला जो फीचर मिलता है iOS 17 के अंदर वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों जब आप यहाँ से राइट से कॉर्नर से स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे भी आपको एक iOS वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इस तरह जब दोस्तों आप टैप करते हो तो यहाँ से आप म्यूजिक भी इसको प्ले कर सकते हो। बाकी ये भी दोस्तों वर्किंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो गई। एंड इसी तरीके से दोस्तों आप इसको अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ से बॉटम में डबल टैप करके यहाँ से फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, आप उसको वन बाई वन चेक करके इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस सेटअप को या मैं कहूँ iOS 17 के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। दोस्तों मैं फिलहाल अपनी डिफॉल्ट थीम पर आ चुका हूँ एंड iOS 17 का जो सेटअप है उसको तैयार करने के लिए हमें तीन थीम की जरूरत पड़ने वाली है। जो हमारी फर्स्ट थीम है उसका नाम है XIAOIP, सिंपल इसको डाउनलोड कीजिए एंड यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। बाद दोस्तों आपको यहाँ से सेकंड थीम को डाउनलोड करना है जिसका नाम है UI15, बाद एंड्रॉइड मिक्स 12.5। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है लॉक स्क्रीन पर एंड यहाँ से आपको UI15 को सिलेक्ट करना है एंड जो आइकन्स पर जाना है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से एंड्रॉइड मिक्स 12.5 इसको दोस्तों सिलेक्ट करना है। इधर हो जाने के बाद जो आपका सेटअप होगा वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। बाकी जो दोस्तों ये विजिट है आप इसको सिंपल यहाँ से रिमूव कर दीजिए एंड इसके लिए दोस्तों आपको एक थीम को डाउनलोड करना होगा, नाम है टिक V3, सिंपल इसको डाउनलोड कर लीजिए। एंड दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से जाना है विजिट्स के ऊपर एंड यहाँ से आपको दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जाना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे ट्विक की विजिट देखने को मिल जाती है एंड सिंपल इसको यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर दीजिए एंड बाकी जो सेटअप है आप इसको जो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा जो ये डायनेमिक आइलैंड है इसके लिए दोस्तों मैं एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं पीका डायनेमिक आइलैंड। तो सिंपल आपको ये प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड जब आप इसको जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरह के देखने को मिल जाता है एंड आप देख सकते हैं जो हमें यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड के जो करेक्टर है वो काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से आप इसको जो आपको पसंद है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो फ्री है वो दोस्तों आपको यहाँ पे चार देखने को मिल जाते हैं जो मैं फिलहाल जो करेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसको जो एडजस्ट करना होगा वो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी जो असिस्टेंट का फीचर है वो दोस्तों ये वाला फीचर है जिस पर आप टैप करके यहाँ से असिस्टेंट को इसको बुला सकते हैं। बाकी दोस्तों काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसको ट्राई करके एक बार जरूर देखना। दोस्तों जो वॉलपेपर है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से उसको अप्लाई कर लीजिए। बाकी आप देख सकते हैं जो इसका UI है वो आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिल जाए। हम चलते हैं लॉक स्क्रीन पर, लॉक स्क्रीन आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरह के देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे थीम पर आना है। थीम पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से जाना है लॉक स्टाइल एंड यहाँ से दोस्तों आपको सेटिंग को ओपन करना है एंड इसके बाद दोस्तों आपको
यहाँ पर एंटर पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। सिंपल इस पर टाइप करिए एंड जो भी यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है उस सिंपल उसको रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा शुगर डैड। एंड दोस्तों आप ध्यान रहे एक एक करेक्टर जो होगा वो आपको बिल्कुल डिटो ऐसे ही लिखना है, नहीं तो आपके जो फीचर्स है वो इनेबल नहीं होंगे। इतना करने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे डेप्थ वॉलपेपर को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें अपर लेयर मिल जाती है, लोअर लेयर मिल जाती है, बाकी आप काफ़ी ज़्यादा समझदार है। एंड आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं जिनको आप दोस्तों वन बाय वन चेक कर सकते हो। मैं दोस्तों एक वीडियो में नहीं कवर कर सकता, बाकी नहीं तो मैं आपको दिखा देता। एंड दोस्तों जो आप यहाँ पे देखेंगे रिसेंट पैनल को जब आप ओपन करते हो जो इसके जो कॉर्नर है वो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा राउंड देखने को मिल जाता है जो कि आपको अदर थीम में देखने को नहीं मिलते, मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया। बाकी जब आप इसको कर लेंगे तो आपको कुछ लॉक स्क्रीन कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमाइज के फीचर्स है वो देखने को मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ पे विजिट हो गई फिलहाल मैंने ऑफ की हुई है। एंड यहाँ से भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ था टेक बडी TB2, सिंपल आप भी ऐसे ही अपना नाम लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बर्ड थंडर क्लाउड काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। एंड नीचे में भी आपको दोस्तों लाइन में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो वॉलपेपर है वो देखने को मिल जाती है। एंड इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है वो भी देखने को मिल जाती है। फिलहाल दोस्तों अभी ये लोक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तो बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों ट्राई करके। तो आज का जो सेटअप था वो यही था। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।